नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कितनी अजीब बात है ना, कोई इंसान लगातार 5 साल से मेहनत कर रहा हो और उसकी मेहनत का फल देने की बजाय उसको दरकिनार कर देना कितनी बड़ी बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दादा श्रीनिवास के पोते सिद्धार्थ तिवारी के बारे में। एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जिसके दादाजी कभी रीवा की राजनीति में कौन टिकट पाएगा और कौन नहीं पाएगा, कौन किस सीट से लड़ेगा, उसका डिसीजन वो करते थे। आज उसी के पोते के ये हालत हो गई है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने हक की सीट भी नहीं पा सकता। यहाँ दोस्तों, पिछले समय से मैं सिद्धार्थ तिवारी जी का फेसबुक अकाउंट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि 2019 से, लोकसभा के चुनाव से, वो लगातार 73 सीट पर एक्टिव रहे, लगातार लोगों के संपर्क में रहे, उनसे मिलते रहे और अपना एक बेस तैयार किया लोगों के मन में। लेकिन अचानक से जब आज सीट की घोषणा होती है तो उनका नाम नहीं होता, बल्कि नाम उसका होता है जो लगातार 2 पंचवर्षीय हार चुका है। और ऐसे वैसे छोटे अंतर से नहीं, बहुत ही बड़े अंतर से हारा हूँ। उसको आपने एक बार फिर से टिकट दे दिया और जो लगातार 5 साल से मेहनत कर रहा है उसको आपने नहीं दिया। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और षड्यंत्र किसने रचा है इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लड़ने का जज्बा हो तो क्या सही और क्या गलत, निर्णय लेने में टाइम नहीं लगानी चाहिए। मैं तो सिद्धार्थ जी से यही कहूँगा कि आपको अपने दादाजी से सीख लेने की ज़रूरत है। वो किसी पार्टी विशेष से नहीं थे, वो इंडिविजुअल थे, वो खुद का उनका व्यक्तित्व था, कोई पार्टी महत्व तो नहीं रखती थी। आप भी राजधर्म का पालन करें और ये ना देखें कि आप किस पार्टी से हैं, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। लोग षड्यंत्र अच्छे तरीके से समझते हैं और उसका जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। आप खड़े रहें, अडिग रहें और अपनी क्षमता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। जिस जोश, जिस जुनून के साथ आपने आज तक लड़ाई लड़ी उसी तरीके से लड़ते रहें। जब सामने वाला आपकी प्रतिभा को समझने को तैयार नहीं, वो षड्यंत्र का जाल बुन रहा है, तो आप भी एक कदम आगे बढ़ें और अपना निर्णय लें और लोगों के सामने प्रस्तुत हों। कोई षड्यंत्र काम नहीं करेगा, ये लोकतंत्र है और इसमें अधिकार जनता का होता है, अंतिम निर्णय जनता का होता है। जनता जनार्दन होती है और वो समझदार होती है, वो फैसला लेने में सक्षम है और फैसला भी ऐसा होगा जिसको दुनिया देखेगी। तो उस षड्यंत्र रचने वाले भी समझ जाएंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। जो खुद ही 4-4 बार हार चुके हैं, लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, वो आपको क्या हराएंगे या क्या आपका टिकट काटेंगे? आज समय सही नहीं है, लेकिन एक समय आएगा और वो समय आपकी 73 की जनता ही ला सकती है। आपका मेहनत कभी भी विफल नहीं जाएगी, तो आप आगे बढ़ें और डटे रहें। जो भी जनता देख रही है, अगर आप उनके सपोर्ट में हैं तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।